ये देखिए गाइज हमारे बेसन के स्टफ पराठे कितने यम्मी और कितने डिलीशियस। चलिए पास दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइज कहीं से भी कच्चे होने की उम्मीद नहीं है, बहुत अच्छे से बहुत यम्मी बेसन के स्टफ पराठे। हमारी गारंटी है कि आपने ऐसे पराठे यूनिक तरीके से आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। बेसन तो वैसे भी हेल्दी होता है, तो देखिए और आपको पास से ये दिखाते हैं। ये देखिए कितना भरा हुआ फिलिंग से कितना यम्मी पराठा है। तो चलिए देखिए कि ये रेसिपी हमारी कैसे बनी है, चलिए देखते हैं बेसन के स्टफ पराठे। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन के। गाइस देखिए आज हम ऐसे पराठे आप लोगों को बताने जा रहे हैं ना जैसे आपने सारे यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो ये देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के स्टफ पराठे, और उसमें हम बेसन की फिलिंग नहीं भरेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पोटैटो यानी आलू की फिलिंग भरेंगे। तो चलिए देखते हैं, आटा लगा लेते हैं पहले। ये है एक आधा कटोरी आटा हमारा, ठीक है, और ये आधा कटोरी बेसन, इसका हम लगाएंगे डो। तो देखिए जिस तरह से हम डो लगा के बना रहे हैं उस तरह से आप लोगों ने स्टफ पराठा नहीं देखा होगा, तो देखिएगा बहुत यम्मी लगता है ऐसे बनाने में। तो इसको हम छान लेते हैं सारा। ये देखिए थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार हम पराठों में डालेंगे। ये देखिए दो पिंच अजवाइन जो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए दो पिंच हींग जो कि इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस दो स्पून हम ऑयल डालेंगे और इससे हम लगाएंगे डो, बस दो स्पून। ये देखिए सारा कुछ ऐसे मिला लेंगे और इसका डो लगाएंगे हल्का हल्का पानी डालते हुए। इस तरह से नॉर्मल पानी है और हल्का हल्का डो लगा लेंगे। ये देखिए गाइस डो लग चुका है। ये एक स्पून ऑयल लेके हम इस डो में सब तरफ से लगा देंगे ऐसे करके, और फिर इसको ढककर रख देंगे। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढककर रख देते हैं अच्छे से। ऑयल लगा दिया, कोट कर दिया है, और अब इसकी फिलिंग बनाते हैं। ये गाइस स्टफिंग बना रहे हैं तो हमने दो स्पून ऑयल डाल लिया है, ठीक है, कढ़ाई में। ये हमने हाफ टेबल स्पून डाला हुआ है जीरा, दो पिंच हींग। ये देखिए गाइस भुन चुका है, तो अपने डालेंगे आलू, ज्यादा हम मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये कद्दूकस किए हुए दो आलू थे मीडियम साइज के, इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे और नमक डालेंगे। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने आटे में भी डाल रखा है और चाट मसाला, तो उसमें भी नमक होता है। तो ये देखिए चाट मसाला ऐड किया हुआ है। तो देखिए इन मसालों को हम इसी में डाल के ऐसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर लास्ट में डालेंगे ग्रीन चिली। देखिए नमक जो था हमारा वो बहुत टेस्टी है, उसमें धनिया है, धनिया जीरा सब चीज पीसी हुई थी। हम इस नमक को आपको दिखाएंगे कि इस नमक को बनाने से कितना इजी हो जाता है हमारा कुकिंग करना, तो इस नमक को जरूर हम बताएंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए गाइस अब थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, इसको भी मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे हरी धनिया, बस हटाएंगे। ये देखिए हमारे पास हरी धनिया नहीं थी तो हमने जो हरी धनिया को सुखा के रखा था वही हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम को ठंडा करेंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस अपने डो को ले लिया, और थोड़ा सा और मसल लेंगे, इसकी लोइयां काटेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए गाइस अपनी लोई पर हम ऐसे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे। एक बात याद रखिएगा गाइस, क्योंकि ये बेसन का है पराठा तो ये बहुत पतला नहीं बेलेगा, कुछ मोटा ही रहेगा, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये पतला नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखिए एक बेल चुका, तो इसी तरह से हम दूसरा भी बेल लेंगे। ये देखिए इतनी थिकनेस का देखिए बेला हुआ है, तो उसको अलग रखते हैं साइड में। ये देखिए एक प्लेट को हमने हल्का ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसमें ये पराठा रख दिया है, ठीक है। अब दूसरी लोई भी इसी तरह से बेलेंगे। ये देखिए गाइस बेल चुका है, तो एक काम करेंगे थोड़ा सा ऑयल और लेंगे और अपनी चकले पर अपने लगा लेंगे, और अब इसमें हम अपना स्टफिंग भरेंगे, ठीक है। और स्टफिंग को हम ऐसे रखेंगे थोड़ा सा साइज, थोड़ा सा
इसका लुक चेंज करेंगे, गोल पैरों की तरह नहीं बनाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा बच्चे देखकर अट्रैक्ट हों इसकी तरफ कि ये नई क्या चीज है। इस वजह से तो इसको हम चौकोर शेप में इसको हम फैला, सारी फिलिंग को चौकोर शेप में फैलाएंगे। ठीक है, ये देख रहा है चिपक फैला दिया चौकोर, तो इसके ऊपर ये फिलिंग का हम दूसरा पार्ट रखेंगे और उसको अच्छे से टकिंग करेंगे, ऐसे ऐसे अच्छे से दबाते हुए प्रेस करते हुए इसको रखेंगे। देखिए गाइस, इसमें आप सब्जी भी रख सकती हैं, जो कि हमने सब्जी नहीं, हमने सिर्फ पोटैटो इसमें भर के बताया है, आप इसमें सब्जी भी रख सकती हैं। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। अब इस देखिए थोड़ा जहां से हमने फिलिंग भरी हुई है उसको छोड़कर थोड़ा सा दूर दूर पर हमें ऐसे कट करना है, और ये जो कट भाग है इसको हम निकाल देंगे, इसको हमें चौकोर शेप देना है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि जो चौकोर शेप दे देंगे तो थोड़ा पराठा चेंज हो जाएगा, बच्चों का अलग से हो जाएगा, ये देखिए। और ये जो बचा हुआ है इसको हम फिर से उसी अपनी स्टफिंग में, जो लोई बना आटा बना के रखा है उसमें ही हम फिर से रख लेंगे, और ये दोबारा काम आ जाएगा हमारे। ये देखिए अच्छे से हमने चौकोर शेप दे दिया है। इसके अंदर आप पनीर की भी स्टफिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसको हम दिखाते हैं फ्राई करना, कि हमें कैसे इसको फ्राई करना। आप एक बार पलट कर भी ऐसे ऐसे कर लें अच्छे से, बस ये ध्यान रखें, ये देखिए जैसे ये खुल गया है तो इसको अच्छे से हम चिपका देंगे ऐसे, जैसे कि फिलिंग हमारी बाहर ना आए, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो सेकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें हमने 4 से 5 स्पून रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। ठीक है, अब ये हो भी गया है तो इसमें अब हम अपना पराठा ऐड करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे ऑयल हमारा सब तरफ से हो, ये देखिए इस तरह से, और हल्की आंच पर इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है तो इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। और जब तक ये हमारा सीख रहा है, क्योंकि 1 मिनट तक हमें इसे पलटना नहीं है, तो जब तक सीख रहा है तब तक हम दूसरा बना लेते हैं। इसलिए 1 मिनट हो चुका है तो इसको धीरे से हम इस तरह से पलट देंगे, और ये देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी पक के आया है, बन गया है, बिल्कुल फ्राई हुआ है। तो इसको सब तरफ से सेक लेंगे अच्छे से इस तरह से। चलिए इधर भी सेक लेते हैं। ये देखिए गाइस सब तरफ से कितना अच्छे से क्रिस्पी हुआ है, ये देखिए। तो बस इसको निकाल के हम अलग रखेंगे, और दूसरा भी इसी तरह से सेक लेंगे, और इसी ऑयल में सेक लेंगे, जरूरी नहीं कि हम ऐसे इसमें और ज्यादा ऑयल डालें। ये देखिए सेकेंड, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और सेक लेंगे, इसी तरह से सारे बना लेंगे। तो बना लेते फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, अगर ये बनाते समय खुल रहा हो, जैसे फूल जाता है तो खुल जाता है, तो आप उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा रब कर दीजिए ऐसे, तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, आराम से ये सिकेगा। और देखिए इस पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको भी सेक लेंगे। ये देखिए हमारे बेसन के स्टफ पराठे बनकर बिल्कुल रेडी हैं, या यूनिक तरीके से। अब हम आपको कट करके दिखाते हैं कि कितने टेस्टी लगेंगे ये खाने में। ये देखिए गाइस कितना खस्ता है और कितना बढ़िया यम्मी है। इस तरह से हम नाइफ से कट करते हैं, ये देख सकते हैं, और इसको हम, ये देखिए देख सकते हैं कितना भरा हुआ और कितना यम्मी पराठा है, ये देख सकते हैं आप अच्छे से। और आप खुद सोच सकते हैं कि ये बेसन का बना हुआ है तो कितना ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा। तो इसे आप बच्चों के साथ टोमेटो सॉस के साथ दे सकते हैं, और बड़े लोगों के साथ, बड़े लोगों को जो देना हो तो मेयोनीज या तीखी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये दही के साथ भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है। तो आज की हमारी ये रेसिपी बेसन के स्टफ पराठे। तो प्लीज अगर ये पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।